हेलो फ्रेंड्स, फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये मोती वाला तोरण बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद, ये देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तोरण के लिए हमने यहाँ पर ये बॉर्डर पट्टी हमने लिया है। ये बॉर्डर पट्टी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसे हमें कैसे बनाना है। बॉर्डर पट्टी का हमने यहाँ पर किनारा बनाया है, तीन डबल क्रोशिया, फिर एक लाइन हमने स्किप किया, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर एक लाइन हमने स्किप किया, फिर तीन डबल क्रोशिया। इस प्रोसेस से हमने ये लाइन बनाया। फिर जो हमारे दोनों कॉर्नर हैं, दोनों कॉर्नर पे हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हमने बनाया, ये देखिए। और जिधर हमें ये तोरण बनानी है उधर हमने ये किनारा हमने नहीं बनाया है। पर्पल कलर हमने लिया है इसके लिए, थ्री प्लाई ऊन है हमारा। ये हमने आठ नंबर की हमने मोतियाँ लिया है, ये देखिए। और हमने यहाँ पर क्रोशिया हमने 10 नंबर का लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन हमने यहाँ पे बना लिया है, इसी डिज़ाइन को हमें आगे बनानी है। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में, मैं आपको बता रही हूँ कि इसे कैसे बनाना है। हमें यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, आठ लाइन हमें यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौवें लाइन से हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को हमने स्टार्ट किया है। तो उसी तरह हमें इधर भी आगे भी हमें नाइन लाइन, नौवें लाइन पर हमें इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। आठ लाइन हमें स्किप करनी है और नौवीं लाइन से हमें डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। तो ये हमारे यहाँ पर डिज़ाइन हमने यहाँ पर फिनिश किया है। फिर हमें यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इस नौवें लाइन से हमें इस डिज़ाइन को स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें धागा लेना है। धागे में हमें नोट लगा लेनी है। फिर हमें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, जो हमारी नौवीं लाइन है वहाँ पे इसे हमें जॉइंट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे आठ चैन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ लाइन हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे बीच में देखिए, हमने यहाँ पर एक लाइन हमने स्किप किया, तो हमें यहाँ पे एक लाइन स्किप करनी है, जो उसकी अगली लाइन है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करना है, ये देखिए। फिर जो अगली लाइन है वहाँ पर हमें फिर सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें इसे टर्न करना है, ये देखिए, इस तरह हमें इसे टर्न करना है। जो हमारा धागा है ये हमें पीछे की तरफ रखनी है। फिर हमें जो हमने आठ चेन बनाया है उसी के अंदर हमें हुक को डालना है और हमें आठ सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक दो तीन चार, इसे हमें इस तरह हाइड कर लेना है। पाँच छः सात आठ, ये हमने आठ बना लिया। फिर जो उसकी अगली लाइन है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसकी अगली लाइन में से हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है, ये देखिए। फिर इसे हमें टर्न करना है, ये हमने इसे टर्न किया। धागा हमें पीछे तरफ ही रखना है, हमें आगे की तरफ धागे को नहीं रखना है, हमें धागे को पीछे की तरफ ही रखना है। फिर हमें यहाँ पर ये जो हमने बनाया आठ, फिर हमें इसके नीचे से हुक को डालना है और इसके ऊपर, ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे आठ सिंगल क्रोशिया बनानी है। नीचे से हमें हुक को डालना है, फिर हमें आठ बनानी है सिंगल क्रोशिया, दो। धागे को हमें लंबा लंबा खींचना है, हमें टाइट नहीं रखनी है, धागा हमें इसके हाइट के हिसाब से रखनी है। तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर ये देखिए, जहाँ पे हमने पिछली लाइन को हमने यहाँ से स्टार्ट किया था उसी लाइन में हमें इसे सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट करना है, सिंगल क्रोशिया से, ये देखिए, उसी लाइन में हमने जॉइंट किया है। फिर इसे हमें टर्न करना है, फिर वही सेम प्रोसेस, इस तरह हमें चार टाइम करना है। दो टाइम हमने कर लिया, दो टाइम हमें और करनी है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हमने आठ बना लिया। फिर हमें यहाँ पे, फिर उसकी जो अगली
यहाँ पे हमने दो, ये हमने यहाँ पे इसे जॉइंट किया है, फिर इसी डबल क्रो इसी लाइन में हमें इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए एक लाइन में हमें दो टाइम हमें जॉइंट करनी है, इधर भी हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उधर ही हमने दो टाइम जॉइंट किया, इधर से भी हमने स्टार्ट किया था इधर भी हमने इसी लाइन में हमने दो टाइम हमने जॉइंट किया, फिर इसे हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर हमें ये हमने चौथी बार इसे हमें बनानी है, तीन बार हमने बना लिया, ये हमारी चौथी बार है। फिर हमें आठ सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक, ये देखिए ये हमने यहाँ पे आठ बार सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। ये देखिए इस पर हमने चार टाइम हमने बनाया, उल्टी साइड से हमने स्टार्ट किया, फिर हमने एक सीधी बनाई, फिर उल्टी बनाई, फिर हमने सीधी टाइम बनाई। ये देखिए चार टाइम हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया, ये हमने टोटल यहाँ पर आठ सिंगल क्रोशिया हमने बनाया। फिर जो उसकी अगली लाइन है वहाँ पर इसे हमें सिंगल क्रोशिया से हमें इसे ज्वाइंट कर लेनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया, ये देखिए एक दो तीन, तीन लाइन हमने इधर से लिया है। ये देखिए फिर हमने उसकी अगली लाइन में एक लाइन में यहाँ पर ज्वाइंट किया दो टाइम, फिर उसकी अगली लाइन में हमने एक टाइम ज्वाइंट किया, फिर हम यहाँ पे तीन चैन, एक दो तीन, फिर इसे हमें टर्न करनी है। टर्न करने के बाद फिर हमारी यहाँ जो ऊपर वाली चैन है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट करना है, फिर तीन चैन, फिर उसकी अगली चैन के ऊपर हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करनी है, फिर तीन चैन, जितनी भी हमारे यहाँ सिंगल क्रोशिया है सभी में हमें इस तरह तीन तीन चैन बनानी है, सिंगल क्रोशिया से हमें ज्वाइंट करनी है। तीन चैन सिंगल क्रोशिया, तीन चैन सिंगल क्रोशिया, तीन चैन सिंगल क्रोशिया। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ टाइम हमने यहाँ पे ये बनाया है, आठ सिंगल क्रोशिया से हमने स्टार्ट किया था और ये चैन की लाइनें भी हमने आठ बनाया है। ये देखिए फिर हमें इसमें फिर इसे हमें टर्न करना, यहाँ पे जब हम ये चैन की लरिया हमें बनानी है तो हमें इसे ज्वाइंट नहीं करना है, इसे हमें फिर इसे हमें ये देखिए ये जो हमने चैन की लरिया हमने जो बनाया ये उल्टी तरफ हमने बनाया है। ये देखिए फिर हमें इसे टर्न करना है, फिर जो हमारा डिजाइन है वो हमें सीधे तरफ से हमें बनाना है। ये जो हमारा डिजाइन है ये देखिए ये जो हमने मोती ऐड किया है ये हमने सीधी तरफ से हमने ये ऐड किया है तोरण पट्टी की सीधी तरफ से। अब देख लें तोरण पट्टी की सीधी कौन सी है, उधर से ही हमें डिजाइन को स्टार्ट करनी है। फिर हमें यहाँ पे ये जो हमने चैन की लरियाँ बनाई हैं स्लिप स्टिच एक दो, दो टाइम हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया है। ये देखिए फिर लूप को हमें लंबा करना है, फिर जो हमारी मोती है हमें वो लेनी है, फिर इसे हमें इस तरह पैक कर लेना है। फिर चार चैन, एक दो तीन चार, लूप को हमें हुक पे ही रखना है, फिर हमें एक मोती ऐड करनी है जो हमारी अगली चैन की है जो हमने तीन चैन बनाया था उसके बीचों बीच हमें इसे जॉइंट करनी है। फिर चार चैन, फिर हमें एक मोती लेनी है, फिर चार चैन, फिर हमें एक मोती लेनी है। इस तरह हमारी जितनी भी चैन की लरियां हैं सभी में हमें इस तरह मोती को हमें जॉइंट कर लेना है, फिर हमें चार चैन बनानी है, फिर हमें मोती ऐड करनी है। ये देखिए इस तरह हमारी ये जो लास्ट की चैन की लरियाँ हैं यहाँ तक हमें इसे बना लेना है, टोटल हमें यहाँ पे आठ मोती हमें ऐड करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ तक हमने यहाँ पे मोती को हमने ऐड कर लिया, ये हमने यहाँ पे मोती ऐड कर लिया आठवें नंबर की। फिर धागे को हमेशा हमें पीछे की तरफ रखना है, हमें आगे की तरफ धागे को नहीं रखना है, तो धागे को हमने इस तरफ किया है, फिर इसे हमने टर्न किया। टर्न करने के बाद जो हमने पिछली लाइन में यहाँ पे जो हमने चार चैन बनाया है इसके अंदर हमें हुक को डालना है और पांच सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन चार पांच। ये देखिए फिर जो हमारी अगली है उसमें फिर हमें बनानी है पांच सिंगल क्रोशिया। धागे को हमें थोड़ा लूज ही रखना है, हमें टाइट नहीं रखना है, धागे को थोड़ा हमें लंबा खींचना है। ये देखिए थोड़ा सा फिर हमें पाँच सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन
चार, पाँच। फिर अगले में हमें बनानी है इस तरह, हमारी जितनी भी है एक दो तीन चार पाँच, इन यहाँ पे हमने आठ मोती हमने ऐड किया है तो ऊपर हमें सात टाइम हमें बनानी है। तो इस तरह हमारी जितनी भी है सभी में हमें बना लेनी है पाँच पाँच सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फिर हम सभी में हमने यहाँ पे पाँच पाँच सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है। बीच में हमने जब हमें अगली में बनानी है तो बीच में हमने यहाँ पर कोई भी चैन हमने नहीं बनाया है। फिर हमें यहाँ पे लास्ट में हमने यहाँ पर बना लिया। फिर जो हमारी ये मोती है, ये जो हमारा धागा है, ये देखिए यहाँ पे हमें उनको डालना है। फिर लूप निकालनी है यहाँ पे स्लिप स्टिच से, हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए फिर से हमें टर्न करनी है। फिर जो हमारी पहली है सिंगल क्रोशिया उसके ऊपर स्लिप स्टिच, दूसरी सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, तीसरी सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, हमें मिडल में आनी है। हमने जो पांच सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है तीसरी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें आनी है। तो हमने यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी पर स्लिप स्टिच हमने बनाया। फिर लूप को हमें लंबा करना है। फिर हमें यहाँ पे मोती ऐड करनी है। तो हमें हुक पे पहली मोती हमें हुक में लेनी है, उसके बाद फिर लूप में हमें डालनी है। फिर इसे हमें इस तरह पैक कर लेना है। फिर चार चैन, एक दो तीन चार, फिर हमें यहाँ पे मोती ऐड करनी है। तो हमने हुक पे हमारा लूप है, फिर मोती को हमें हुक पर लेनी है। फिर ये देखिए यहाँ पे हमने जो पांच सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है, एक दो तीन, तीसरे नंबर का जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें मोती को ऐड करनी है मिडल पॉइंट में। फिर चार चैन, एक दो तीन चार, फिर हमें मोती ऐड करनी है। अब हमें जो मोती ऐड करनी है उसे घटते हुए क्रम में हमें ऐड करना है। यहाँ पे हमने आठ मोती ऐड किया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस लाइन में हमें सात मोती ऐड करनी है। फिर हमें यहाँ पे एक दो तीन जो तीसरे नंबर का सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें इसे जॉइंट करना है। फिर चार चैन, एक दो तीन चार, फिर हमें एक मोती ऐड करनी है, एक दो तीन, तीसरे नंबर का जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें मोती को ऐड करनी है बिल्कुल मिडल में। फिर चार चैन, एक दो तीन चार, फिर हमें मोती ऐड करनी है। इस तरह हमारी यहाँ पे सात मोती को हमें ऐड कर लेना है, लास्ट तक हमें मोती को ऐड कर लेनी है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे सात मोती हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर इसे हमें टर्न करना है। जिस तरह हमने यहाँ पे दूसरी लाइन हमने बनाया है उसी तरह हमें यहाँ पे भी बनानी है। इसे हमें टर्न करना है और यहाँ पे जो हमने चार चैन बनाया है इन सभी में हमें पाँच पाँच सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन चार पाँच। फिर हमें दूसरे में आनी है। इसी तरह हमें सभी में हमें पाँच पाँच सिंगल क्रोशिया हमें बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे सभी में हमने पाँच पाँच सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर लास्ट में हमें यहाँ पे जो मोती है, मोती के जो ऊपर वाली धागे हैं, ये देखिए यहाँ पे हमें हुक को डालना है स्लिप स्टिच से, यहाँ पे इसे हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर हमें इसे टर्न करना है। पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, तीसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, हमें मिडल में आनी है। फिर लूप को हमें लंबा करना है। फिर हमें यहाँ पर मोती ऐड करनी है, छः मोती, पिछले हमने सात किया फिर छः करनी है। फिर उसके बाद फिर हमें यहाँ पे पांच पांच सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करनी है और हमें दो तक मोती को हमें ऐड कर लेना है। ये देखिए आठ बनाया, फिर सात, फिर छः, पाँच, चार, तीन, दो, दो तक हमें इस मोती को हमें ऐड कर लेना है इसी प्रोसेस से। ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने घटते हुए क्रम में इसे हमने बना लिया, आठ सात छः पाँच चार तीन दो, दो तक इसे हमने मोती को घटते हुए क्रम में सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे इसे बना लिया। फिर हमें यहाँ पे इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर यहाँ पे हमें तीन सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर लूप को हमें लंबा करना है। यहाँ पे हमें एक मोती ऐड करनी है। फिर दूसरी तरफ भी हमें तीन सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है, एक मोती को हमें इस तरह रखना है, दो तीन, दोनों तरफ हमें तीन तीन सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक मोती ऐड करना है। फिर यहाँ पे हमें एक चेन बना के धागे को हमें कट कर लेनी है। ये जो हमने एक मोती ऐड किया है ये हमने उल्टी तरफ से मोती को हमने ऐड किया है। ये देखिए दोनों तरफ से हमारा मोती दिख रहा है।
हमने एक चेन बना लिया, फिर धागे को हमें कट कर लेना है। ये हमने इसे कट कर लिया, ये डिजाइन बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। 8 से हमने स्टार्ट किया, 1 तक इसे हमने एंडिंग कर लिया। फिर इसी सेम प्रोसेस से हमें अब अगली जो 9 नंबर की जो लाइन है वहाँ से हमें इसे अब स्टार्ट करना है। ये देखिए जहाँ पे हमने इसे जॉइंट किया, इस लाइन को हमें छोड़नी है। उसके बाद वाली लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं लाइन से हमें फिर अगले डिजाइन को हमें स्टार्ट करना है। अब हमें अगली डिजाइन बनानी है, तो सबसे पहले हमें धागे में नोट लगा लेनी है। इसी प्रोसेस से अब हमें अगली डिजाइन बनानी है। तो हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने जॉइंट किया उस लाइन को हमें स्किप करनी है। तो उसकी अगली लाइन है वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं लाइन हमें इसे जॉइंट करना है। फिर 8 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक लाइन बीच वाली हमें स्किप करनी है, उसकी अगली लाइन में से हमें जॉइंट करना है। यहाँ पे नहीं, इस कॉर्नर पर हमें इसे जॉइंट कर लेना है। फिर उसकी अगली लाइन में फिर सिंगल क्रोशिया, फिर इसे हमें टर्न करना है। ये देखिए सीधी तरफ से हमने ये चैन बनाया है, फिर इसे हमें टर्न करना है। फिर हमें यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसकी अगली लाइन में से हमें जॉइंट करना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसकी अगली लाइन में से हमें जॉइंट कर लेनी है सिंगल क्रोशिया। फिर इसे हमें टर्न करना है, फिर इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करनी है। फिर इसके ऊपर हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए नीचे से हमें हुक को डालना है और 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जहाँ से पिछली बार जो हमने जिस लाइन में हमने स्टार्ट किया था उसी लाइन में हमें इसे जॉइंट करना है। ये देखिए फिर इसे हमें टर्न करना है। इस तरह हमें 4 टाइम बनानी है, 2 टाइम हमने बना लिया, 2 टाइम हमें और बनानी है। तो फिर हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2। लूप धागे को हमें लंबाई खींचना है। ये देखिए इसे हमें मोटा करना है, तो इसे हमें इसकी हाइट के हिसाब से खींचना है, छोटा हमें नहीं करना है, हाइट के हिसाब से सभी खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी लाइन में, इस लाइन में हमने ज्वाइंट किया था पिछली बार, इसी लाइन में फिर हमें ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशिया। फिर से हमें टर्न करना है। 3 लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये चौथी लाइन है हमारी। फिर इसी प्रोसेस को हमें फिर रिपीट करना है। फिर हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 से हमें बिल्कुल बराबर ही रखना है। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 बना लिया। फिर उसकी अगली लाइन में, पिछली लाइन में हमने यहाँ पे 2 बार जॉइंट कर लिया है, फिर उसकी अगली लाइन में हमें इसे जॉइंट करना है सिंगल क्रोशिया से। ये हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लिया। फिर हमें यहाँ पे ये हमने 4 टाइम हमने बना लिया, उल्टे से हमने स्टार्ट किया था, सीधे में हमारी ये फिनिश हो चुकी है। फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर से हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर जो हमारी चैन है सिंगल क्रोशिया वाली चैन है, वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमें जॉइंट करना है। फिर 3 चैन, फिर अगली चैन में इसे हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर 3 चैन, 1 2 3, फिर उसकी अगली चैन में हमें जॉइंट करनी है। फिर 1 2 3, उसकी अगली में जॉइंट करनी है। इस तरह हमारी जितनी भी है सभी में हमें इस तरह बना लेना है, 1 2 3, फिर अगले में हमें जॉइंट करनी है। फिर 1 2 3,
इस तरह हमें आठ बनानी है। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 फिर 3 चैन फिर अगले में सिंगल क्रोशिया 8, ये हमने 8 टाइम हमने ये बना लिया, ये देखिए। फिर इसे हमें टर्न करना है, धागा हमेशा पीछे की तरफ रखना है, इस तरह हमें टर्न नहीं करना है, टर्न हमेशा पीछे की तरफ हमें करना है, धागा हमें पीछे रखना है। फिर जो हमने ये 3 चैन बनाया था इसके अंदर हमें हुक को डालना है, 2 टाइम हमें स्लिप स्टिच करनी है, लूप को हमें लंबा करना है, फिर हमें यहाँ पे मोती ऐड करनी है, फिर 4 चैन 1 2 3 4 फिर हमें मोती ऐड करनी है। जो अगली चैन है उसमें हमें जिस तरह हमें बनाया 8 टाइम फिर उसकी अगली वाली में हमें बनानी है, मोती ऐड करनी है, फिर 4 चैन 1 2 3 4 फिर हमें मोती लेनी है, फिर अगली वाली में हमें मोती ऐड करनी है, इस तरह हमें 8 मोती हमें ऐड करनी है। अब बीच में हमें 4 चैन 2 3 4 इस तरह हमारी यहाँ तक हमें इसे ऐड कर लेना है 8 मोती। ये हमने यहाँ पे 8 मोती हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर इसे हमें टर्न करनी है। फिर जो हमने यहाँ पे 4 चैन बनाए यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4 5 फिर हमें उसकी अगली में बनानी है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर जितनी है सभी में हमें 5 5 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे सभी में हमने 5 5 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर जो हमारी ये मोती है इसके ऊपर जो धागा है यहाँ पे हमें हुक को डालना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसे हमें ज्वाइन करनी है, फिर इसे हमें टर्न करना है, फिर पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, दूसरी के ऊपर स्लिप स्टिच, तीसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, हमें बिल्कुल मिडल में हमें आनी है, तीसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें आनी है, फिर लूप को हमें लंबा करना है, फिर हमें यहाँ पे एक मोती ऐड करनी है। स्लिप स्टिच जो हमने किया उसे हमें टाइट नहीं रखनी है, वो हमें थोड़ा लूज ही रखनी है। फिर मोती ऐड किया, फिर 4 चैन 1 2 3 4 फिर एक मोती हमें लेनी है, फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 जो तीसरे नंबर का सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें मोती ऐड करनी है, फिर 4 चैन 1 2 3 4 फिर हमें मोती ऐड करनी है। इसी प्रोसेस से इसे हमें बनाना है, फिर इसे हमें घटते हुए क्रम में इसे बनाना है, 8 7 6 2 तक इसे हमें बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे घटते हुए क्रम में इसे हमने बना लिया, 2 तक हमने यहाँ पे इसे बना लिया। फिर हमें इसे टर्न करना है, फिर यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया 1 2 3 फिर लूप को लंबा करना है, यहाँ पे हमें एक मोती ऐड करनी है, फिर दूसरी तरफ भी हमें 3 सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है, एक दो तीन फिर एक चैन धागे को हमें कट कर लेनी है, ये देखिए ये डिजाइन बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी प्रोसेस से हमें अब अगली डिजाइन बनानी है, तो बीच में हमें यहाँ पे फिर 9वीं जो लाइन है हमारी 9वीं लाइन पे हमें फिर डिजाइन को हमें बनाना है। इसी प्रोसेस से हमारी जितनी लंबी तोरण पट्टी है उसके हिसाब से हमें ये बना लेना है ये डिजाइन को, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमें इसका किनारा बनाना है, जिसके लिए हमें यहाँ हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया है। तो सबसे पहले धागे में हमें नोट लगा लेनी है, फिर जो हमें किनारा जो हमें बनाना है, ये जो मैंने किनारा बनाया है इसे हमें उल्टी साइड से हमें बनानी है। तो जो ये हमारा डिजाइन है इसे हमें उल्टा कर लेना है, फिर हमें ये किनारा बनाना है। ये जो हमने यहाँ पे इसे जॉइंट किया है इसी लाइन से हमें किनारे बनानी है। तो हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे यहाँ पे जॉइंट कर लेनी है धागे को,
फिर चार चैन, एक दो तीन चार। फिर धागे पे, हुक पे हमें दो बार धागे को लपेटना है। फिर ये देखिए, ये जो हमारा ये ऊपर वाली जो चैन है धागा, ये जो नीचे वाली धागा है, इन दोनों के बीचों बीच से हमें ये देखिए एक दो, यहाँ पे हमें हुक को डालना है, धागा हमें निकालना है। यहाँ पे हमें एक बार दो लिया, फिर दो बार दो हमने लिया, हुक पे हमारा दो लूप है। फिर हमें दो बार धागे को लपेटना है हुक पे, फिर उसी जगह पे ये देखिए एक दो, दो धागे के बीच में हमने डाला, फिर हुक को निकाला। यहाँ पे जो हमें ट्रिपल क्रोशे जो बनानी है, सिर्फ दो दो करके हमें धागे निकालनी है, दो दो। हुक पे हमारा तीन लूप है, तीनों को हमें साथ में ले लेनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने तीन ट्रिपल क्रोशे हमने बनाया है, जो चार चैन बनाए वो हमारी पहली है, उसके बाद फिर दो हमने बनाया, तीनों को हमने एक साथ ज्वाइंट कर लिया। फिर हमें यहाँ पे ये देखिए इस मोती को हमें स्किप करनी है, फिर डायरेक्ट हमें यहाँ पे आनी है, जो हमने यहाँ पे दो डबल सिंगल क्रोशिया जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, जो पहले सिंगल क्रोशिया है उस पर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है एक, फिर जो दूसरी सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें बनानी है दो, फिर इसी तरह हमें यहाँ पे बनानी है। तो चार चैन, फिर धागे को दो बार हमें हुक पे लपेटना है, फिर ये देखिए ये ऊपर वाली धागे और एक धागा हमें इधर से लेना है, ये देखिए इसके बीच से हमें धागे को निकालना है, और दो टाइम दो दो करके हमें दो टाइम लेनी है, दो दो करके हमें लूप लेनी है, हुक पे हमारा दो लूप है। फिर दो बार हमें धागे को लपेटनी है, फिर हमें उसी जगह पे हुक को डालना है, धागे को निकालना है, और दो दो करके हमें लूप लेनी है, दो फिर दो हमने लिया, हुक पे हमारा लूप है, तीनों को हमें साथ में ले लेनी है। ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, हमने तीसरी बार नहीं लिया है, डायरेक्ट हमने तीनों को एक साथ ज्वाइंट कर लिया, दो दो करके हमने दो बार लिया है लूप को। फिर अगली जो है हर मोती को हमें स्किप करनी है, जो उसके ऊपर वाली है, फिर वहाँ पे सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है, पहले सिंगल क्रोशिया, दूसरी सिंगल क्रोशिया के ऊपर दूसरी सिंगल क्रोशिया, फिर चार चैन, फिर धागे को हुक पे दो बार लपेटना है, फिर ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली धागे को हमें लेना है, फिर बीच से हमें निकालनी है, दो दो करके हमें दो बार लेनी है, दो फिर दो, हुक पे हमारा दो लूप है, फिर दो बार हमें लपेटनी है, फिर उसी जगह पे हमें ये धागे को हमें निकालना है, फिर दो दो करके हमें लेनी है, दो दो, हुक पे हमारा तीन लूप है, तीनों को हमें ले लेना है। फिर जो हमारे यहाँ पे, फिर पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर दूसरे सिंगल क्रोशिया, ये देखिए इसी तरह हमें यहाँ तक हमें इसे बना लेना है, ये देखिए यहाँ तक हमें इसे बना लेना है सेम प्रोसेस से। ये देखिए ये हमने यहाँ पर एक तरफ हमने किनारा बना लिया, फिर ये जो हमारे यहाँ पे तीन सिंगल क्रोशिया हैं, इन तीनों पे हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन। फिर हमें यहाँ पे आठ चैन, दो तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर जो हमारे इधर तीन सिंगल क्रोशिया है, इन तीनों पे हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए जो हमारे मोती से सटा हुआ है, एक दो तीन, यहाँ भी तीन सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर चार चैन, फिर दो बार धागे को हमें ऊपर लपेटना है, फिर दो, एक ये वाली लेनी है धागे, एक ये वाली धागे हमें लेनी है, हाफ ट्रिपल क्रोशिया हमें बनानी है, फिर तीनों को हमें ज्वाइंट कर लेना है। फिर हमारा जो यहाँ पे है मोती हमें स्किप कर लेनी है, फिर यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया है, इन दोनों के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है, एक दो। फिर हमें यहाँ पे चार चैन बनानी है, इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी यहाँ तक हमें इसे बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी हमने एक किनारा बना लिया, ये हमारा लास्ट है। यहाँ पे जो हमारी जो पहली लाइन थी, इस पहली लाइन में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे भी हमें दो सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक दो।
फिर हमें यहाँ पे चार चैन, एक दो तीन चार, फिर हमें यहाँ पे हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो हमें ये धागा और ये धागा लेना है हुक को, फिर यहाँ पे दो दो, फिर हाफ ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीनों लूपों में एक साथ ले लेना है। ये हमारी जो पहली लाइन थी उस लाइन में भी हमें एक बनानी है। फिर जहाँ ये जहाँ पे हमारा जॉइंट है इसी लाइन में हमें इसे भी जॉइंट कर लेनी है, किनारी वाली भी। फिर सिंगल क्रोशिया एक चैन धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किनारा बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। उल्टी तरफ से हमने ये किनारा बनाया है, ये हमारी सीधी तरफ है। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। फिर हमें धागे में नोट लगा लेनी है। अब हमें दूसरे में डिजाइन बनानी है। ये देखिए, जहाँ पे हमने यहाँ पे भी हमने इसे जॉइंट किया, उसी लाइन से हमें इस किनारे को हमें स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर लेना है, फिर चार चैन, फिर यहाँ पे हमें हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, दो दो करके दो लूप हमें दो बार लेनी है, फिर दो टाइम धागे को लपेटना है, फिर हमें यहाँ पर उसी जगह पे हमें फिर दोबारा हुक को डालना है, धागे को निकालना है, फिर दो दो लूप हमें लेनी है। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है, तीनों को हमें फिर एक साथ जॉइंट कर लेनी है। फिर मोती को हमें स्किप करनी है। फिर यहाँ पे जो दो हमारे सिंगल क्रोशिया है, इन दोनों के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक दो। इसी तरह हमें सभी में हमें इस तरह बना लेना है, यहाँ तक किससे हमें बना लेनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर एक तरफ हमने किनारा बना लिया। फिर ये जो हमारे यहाँ पे तीन सिंगल क्रोशिया है, इन तीनों पे हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक दो तीन। फिर हमें यहाँ पे आठ चैन, दो तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर जो हमारे इधर तीन सिंगल क्रोशिया है, इन तीनों पे हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, जो हमारा मोती से सटा हुआ है, एक दो तीन, यहाँ भी तीन सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर चार चैन, फिर दो बार धागे को हमें ऊपर लपेटना है, फिर दो, एक ये वाली लेनी है धागे, एक ये वाली धागे हमें लेनी है, हाफ ट्रिपल क्रोशिया हमें बनानी है। फिर तीनों को हमें जॉइंट कर लेना है। फिर हमारा जो यहाँ पे है मोती हमें स्किप कर लेनी है। फिर यहाँ पे दो सिंगल क्रोशिया है, इन दोनों के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है, एक दो। फिर हमें यहाँ पे चार चैन बनानी है। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी यहाँ तक हमें इसे बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी हमने एक किनारा बना लिया। ये हमारा लास्ट है। यहाँ पे जो हमारी जो पहली लाइन थी, इस पहली लाइन में हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे भी हमें दो सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक दो। फिर हमें यहाँ पर चार चैन, एक दो तीन चार, फिर हमें यहाँ पर हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो हमें ये धागा और ये धागा लेना है हुक को, फिर यहाँ पे दो दो, फिर हाफ ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीनों लूपों में एक साथ ले लेना है। ये हमारी जो पहली लाइन थी उस लाइन में भी हमें एक बनानी है। फिर जहाँ ये जहाँ पे हमारा जॉइंट है इसी लाइन में हमें इसे भी जॉइंट कर लेनी है, किनारी वाली भी। फिर सिंगल क्रोशिया एक चैन धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किनारा बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। उल्टी तरफ से हमने ये किनारा बनाया है, ये हमारी सीधी तरफ है। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी तरह हमें सभी में किनारे बना लेने हैं, जितने भी हमारी ये डिजाइन है सभी में इसी तरह हमें ये किनारा बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तोरण बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। नीचे साइड में हमने यहाँ पर पॉम्पम लगाया है सभी में, ये देखिए। फिर साइड में हमने दो लरियाँ हमने लगाया है, नीचे भी हमने पॉम्पम बनाया है। ये तोरण बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। ये देखिए,
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।